वन का, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सेवन थ्री टू डी। क्लियर है पिताजी, ये मैडम क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसकी बना लेंगे इक्वेशन, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ए प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन। और ये क्या आ जाएगा, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, सी माइनस वन इज इक्वल टू टू थ्री, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। और फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। हमारे क्वेश्चन में ये था कि हमने सबसे पहले जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो ए बी सी और डी की करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ गई है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यू। इस वैल्यू से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सी की भी कर सकते हैं। इस वाली से हम ए की और बी की, इस वाली से हम सी की और इस वाले में से डी की। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन फाइंड करेंगे कि जो सिर्फ हमारे पास ए की हो, तो हम इजीली पहले एक वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे वाली वैल्यू उसमें पुट कर सके। तो अगर हम देखें तो सब में दो दो चीजें हैं, ए और सी है, ए और बी है, डी है, और इस केले में सिर्फ ये सी है। सबसे हम पहले वैल्यू फाइंड करते हैं सी की, ठीक है। तो सी वाली इक्वेशन कौन सी है, थ्री। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास क्या थी, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा मैथ का रूल ये है कि हमने जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमने एक साइड पे रखना होता है, बाकी जितने भी वैल्यूज है उन सबको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें से किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, सी। तो सी को हम इधर रख लेंगे, सी के साथ जितनी भी चीजें उन सबको इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। तो सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, तो ये माइनस हम उधर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू थ्री प्लस वन। और सी की वैल्यू क्या आ गई, फोर। वेरी गुड, सी की वैल्यू क्या आ गई, फोर। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज रह गई है, ए बी डी और डी। तो एक वैल्यू आ गई है, अब सी वाली वैल्यू को अगर हम क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दें तो हमें एक वैल्यू भी आ जाएगी। सी वाली वैल्यू को अगर हम वन वाली क्वेश्चन में पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। तो अब इधर आप आगे चले जाते हैं, पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ सी, किस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर वन, इन क्वेश्चन नंबर वन। क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो सी की वैल्यू क्या थी, फोर। जहां पर सी था उधर उसकी वैल्यू पुट कर दे, ए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अब ए की वैल्यू चाहिए, तो ये फोर उस साइड में चला जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस फोर। ये दूसरी वैल्यू समझ में आ गई, कैसे हमने क्या है, अगर नहीं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इधर तक आ गया सब क्लियर, इधर तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमने यही वैल्यू इस क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर दिया, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया था। ए हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया है, जिस जगह पे सी था उधर हमने फोर लिख दिया है, तो ए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। और अभी हमने कहा था कि हम जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या इज इक्वल टू, तो वो एक साइड पे रखते हैं, बाकी जितनी भी वैल्यू होती है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ए में ए इधर आ गया, ये प्लस फोर था, तो प्लस फोर उधर जाके क्या हो गया, माइनस फोर। कितनी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, टू। ए और सी की, अभी ये कौन सी रह गई है, बी और डी की। तो बी की वैल्यू हम कौन सी विषय में से फाइंड कर सकते हैं, बी की वैल्यू हम कौन सी क्वेश्चन में से फाइंड कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में बी है, सेकंड, सेकंड में। तो इधर क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड वाली में कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी,
बी की फाइंड करने के लिए कौन सा रिफाइन करने से फुट करने पड़ेंगे एक तो लिखते हैं फुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फुट करनी थी ए फुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 में क्या करना था ठीक है तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 तो सिर्फ हमने a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो a किधर है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 हमें b चाहिए ये माइनस 4 उधर उस साइड पे ले जाएंगे क्या आ जाएगा माइनस 4 जब उस साइड पे जाएगा प्लस तो माइनस 7 प्लस 4 तो माइनस 7 प्लस 4 क्या होता है माइनस से आप में से फोर निकाल देंगे आ जाएगा थ्री और बड़ी वाली वैल्यू का कौन सा साइन है माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री लेकिन अभी तो हमें सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए ये तो हमारे पास किस चीज की वैल्यू है टू बी तो बी इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो ये जो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाय हमारी कौन सी वैल्यू आ गई है कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर ली है ए और बी तो कौन सी वैल्यू आ गई है डी 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 हम कौन सी क्वेश्चन में से पुट कर सकते हैं फोर में से तो फोर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम अच्छा क्या चीज फ्रॉम क्वेश्चन फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी ऐसे ही है तो ये हमने 2d इस साइड पे ले जाएंगे और ये 6 इस साइड पे ले जाएंगे तो 4d ये प्लस 2d है तो इधर जाके क्या हो गया माइनस 2d और ये माइनस 6 हो गया क्या हो गया प्लस 6 4d में से 2d निकाल दे तो क्या आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू प्लस 6 और ये अभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं 2 के तो 2 आंसर 2 3 का तो डी की वैल्यू क्या आ गई डी इज इक्वल टू 3 और नीचे वाला नंबर नहीं लिखते ये हमारा आज का क्वेश्चन था